हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग एस्टिमेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो एस्टिमेशन को जानने के पहले सबसे पहले हम लोग राउंड ऑफ करने के लिए सीख लेते हैं कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। इसके लिए कुछ रूल है, तो रूल में देखते हैं। सबसे पहले नियरेस्ट 10 के लिए अगर हम लोग को राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट 10 का, तो कौन कौन से बातों का ख्याल रखना रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग वन डिजिट को देखेंगे। अगर कोई नंबर का नियरेस्ट 10 निकालना है तो उसका वन डिजिट देखेंगे। यहाँ पे देखिए, बात नियरेस्ट 10 है, लेकिन हमें देखना किसको है। नियरेस्ट 10 निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग वन डिजिट को देखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल है 281, तो इस नंबर में वन डिजिट पे वन लिखा हुआ है। तो सेकंड स्टेप की तरफ पढ़ते हैं। इफ़ वन डिजिट इस लेस देन 5, देखिए यहाँ पे वंस डिजिट वन लिखा हुआ है, ये 5 से कम है। रिप्लेस द वंस डिजिट बाय 0, तो इसीलिए ये 0 बन जाएंगे। देखिए नीचे में दिया हुआ है, ये जो रेड वन है ये वन, लेस देन 5 है, 5 से कम है, इसीलिए ये 1 0 बन जाएंगे। इस तरह से नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ किया गया। अगर ये 1 डिजिट 5 से कम रहा इसके लिए हुआ, अगर डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा रहा उसके लिए हम लोग आगे तो इस तरह से करेंगे। वंस डिजिट पे 7 है, इस बार 7 ग्रेटर देन 5 है, इसीलिए जो 10th डिजिट पे नंबर रहेंगे वो एक बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए इंक्रीज 10th डिजिट बाय 1, यहाँ पे 10th डिजिट पे 8 है, इसीलिए 1 ये बढ़ गया, 8 से 9 बन गया, और जो 1st डिजिट पे थे वो 0 बन गए। इस तरह से राउंडिंग ऑफ किया जाता है, राउंड ऑफ किया जाता है। अब हम लोग नियरेस्ट 100 को देखते हैं। इस बार नियरेस्ट 100 को देखने के लिए हमें 10th डिजिट को देखना होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में 648 है, 648 में 648 में देखिए, अगर हम लोग 10th डिजिट को देखें तो 4 इज लेस देन 5, 4 जो है वो 5 से कम है, इसीलिए जैसे है वैसे ही रहेगा, सिर्फ 10th डिजिट और 1st डिजिट दोनों 0-0 बन जाएंगे। अगर 10th डिजिट पे 5 या 5 से ज़्यादा हो, 5 या ग्रेटर देन 5 हो 10th डिजिट पे, तो ये जो 100 डिजिट पे जो नंबर है डिजिट है वो एक बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये 5 है 10th डिजिट पे, ये 5 के बराबर है, तो इसीलिए वो 6 जो था वो 6 से 7 बन जाएगा और बाकी के नंबर 0 बन जाएंगे। इसी तरह से राउंड ऑफ किया जाता है। यहाँ पे भी देखिए, ये 1 है तो 1 सिर्फ 0 बन गया, यहाँ पे 7 है तो ये 5 से ज़्यादा है तो ये एक बढ़ गया, 2 से 29 0 बन गया। नेक्स्ट में हमने देखा यहाँ पे 648 है, 4 5 से कम है, इसलिए ये दोनों डिजिट 0 बन गए, और यहाँ पे 658 में 5 5 के बराबर है, इस तरह से 6-7 बन गया और बाकी के नंबर 0 बन गए। तो कुछ आगे भी देखते हैं। इस बार हम लोग नियरेस्ट 1000 को देखेंगे। नियरेस्ट 1000 के लिए हमें 100 डिजिट को देखना होगा। ये एक एग्जांपल है 5486, 100 डिजिट पे यहाँ 4 है, तो 4 अगर ये 5 के बराबर या 5 है तो 5 के ज़्यादा तो हमें देखना होगा। 4 इज लेस देन 5, ये 4 जो है वो 5 से कम है, इसीलिए सारे के सारे डिजिट 0 बन जाएंगे। 4 से लेकर सारे डिजिट 0 बन जाएंगे, 4, 8, 6 ये तीनों डिजिट 0 बन गए हैं। देखें यहाँ पर नेक्स्ट में अगर हम देखें तो अगर ये 4 है यहाँ पे, इसके जगह पे 5 से ज़्यादा रहे या 5 रहे तो क्या करेंगे।
जैसे में एग्जांपल 9889, ये 8 जो है 5 से बड़ा है, तो इसलिए ये जो 9 नंबर है ये एक इंक्रीज कर जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो ये 9 10 बन जाएगा। देखिए यहाँ 9 10 बन गया और बाकी के नंबर, बाकी के डिजिट 0 हो गए। इसी तरह से आगे भी करते जाएंगे। यह हुआ नियरेस्ट 1000, अगर नियरेस्ट 10,000 भी बोले तो इसी तरह से करेंगे, नियरेस्ट लैक भी बोले तो इसी तरह से करेंगे। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10 एंड 100, ये 4 एग्जांपल हैं। इसको नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 निकालना है। तो पहले हम लोग नियरेस्ट 10 को निकालते हैं। फर्स्ट में 23659, अगर इसमें हम लोग देखें नियरेस्ट 10 निकालने के लिए, नियरेस्ट 10 निकालने के लिए हमने देखा था वंस डिजिट को देखना था। वंस डिजिट पे यहाँ पे 9 है, वंस डिजिट पे 9 है, तो ये 9 इज ग्रेटर देन 5, तो इसलिए ये 5 एक इंक्रीज कर जाएगा और 6 बन जाएगा और 9 0 में बदल जाएगा। बी में देखते हैं तो ये रहा 4 है, यहाँ पे वंस डिजिट पे 4 है, तो ये 4 इज लेस देन 5, 4 जो है 5 से कम है, इसीलिए कोई नंबर इंक्रीज नहीं करेगा और ये सिर्फ 4 0 बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। सी में 19499, यहाँ पे वंस डिजिट पे 9 दिया हुआ है, तो ये 5 से ग्रेटर है, तो इस तरह से ये जो 9 है ये 1 इंक्रीज कर जाएगा, तो 9 के बदले में 10 बन जाएगा। तो 10 हम लोग नहीं लिखेंगे, ये जो 1 और 0 है 10 बना, तो 10 का 0 और 1 उसके बगल वाले 4 में चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 19, ये 4 5 बन गया और 9 के बदले में 0 लिख दिए और ये भी 0 बन गया। ये जो 9 था ये 9 10 बन गया, तो 10 डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, जैसे कि एडिशन में किया जाता है एक बगल में चला जाता है, इसी तरह से यहाँ भी होगा। डी में यहाँ देखिए वंस डिजिट पे 0 लिखा हुआ है, तो 0 रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये 0 ऑलरेडी 5 से कम है, लेस देन 5 है, और जो चेंज होता है डिजिट वो भी 0 ही हो जाता है, तो इस तरह से 0 का 0 ही रह जाएगा, इसमें नो चेंज। नियरेस्ट 100 में देखें तो इसमें 10th डिजिट को देखना होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 23659, तो 5 है 10th डिजिट पे और ये 5 के बराबर है, इसीलिए ये 1 डिजिट इंक्रीज कर जाएगा, मतलब 6 से 7 बन जाएगा और बाकी के नंबर 0 हो जाएंगे। यहाँ पे हमें देखना सिर्फ यही है कि जिसका निकालना है उसके राइट वाले डिजिट में ये 5 है या 5 से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो जिसका निकालना है वो डिजिट एक इंक्रीज कर जाएगा और अदरवाइज बाकी के नंबर 0 बन जाएंगे, जैसा कि सभी एग्जांपल में हमने देखा। 8364, ये 6 इज ग्रेटर देन 5, इसीलिए ये 3 4 बन जाएगा और जो हमें निकाल कर आएगा 8400। अगर सी की बात करें तो 19499, ये 9 5 से ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए ये 19500 बन जाएंगे, यहाँ पे 4 5 बन जाएंगे, 1 इंक्रीज कर जाएंगे। 14380, ये भी 8 ग्रेटर देन 5 है, इस तरह से ये वाला 3 4 बन जाएंगे और बाकी के नंबर 0 0। अब हम लोग एस्टिमेटिंग द सम, हम लोग सम देखते हैं, सम कैसे करेंगे अगर दिया हुआ रहे तो। एस्टिमेटिंग, एस्टिमेट द सम 64+79 टू द नियरेस्ट 10, तो सबसे पहले हम लोग नियरेस्ट 10 निकालेंगे 64 का, नियरेस्ट 10 64 का 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 इज 5, 4 इज लेस देन 5, इसीलिए 4 0 बन जाएगा और 6 का 6 ही रह जाएगा, तो 60। नेक्स्ट में 79 है, तो 79 9 इज ग्रेटर देन 5, ये 9 5 से बड़ा है, इसीलिए 7 8 बन जाएगा, 7 1 इंक्रीज करके 8 बन जाएगा, और दोनों का अगर नियरेस्ट 10 हुआ
60 और 80, और दोनों का अब हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने पर 140 आ जाएगा और यही हो गया हमारा आंसर। सेकंड एग्जांपल देखें तो नियरेस्ट 10 अगर इसका निकालना हो तो सबसे पहले इसका नियरेस्ट 10 निकाल लेंगे। तो 7 को देखना है, 10 का निकालने के लिए, नियरेस्ट 10 का निकालने के लिए हमें वंस डिजिट को देखना होता है। तो 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 5 से बड़ा है। इस तरह से ये वाला 6, ये 6 7 बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 270। अब इसे भी हमें नियरेस्ट 10 निकालना होगा। तो 132, 2 इज लेस देन 5, 2 जो है 5 से छोटा है। तो इस तरह से जिस जैसा नंबर दिया हुआ है वो सिर्फ यहाँ पे 0 बन जाएगा, बाकी का 13 का 13 रह जाएगा, यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो 130। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद 400 आएगा। इसी तरह से ऐड किया जाता है। नेक्स्ट में नियरेस्ट 100 को देखते हैं। इस्टीमेट दशम 274 एंड 143 टू द नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 का निकालने के लिए टेंथ डिजिट को देखते हैं। टेंथ डिजिट पे यहाँ पे 7 है और ये 7 इज ग्रेटर देन 5, ये 7 5 से बड़ा है। तो जब 5 या 5 से बड़ा होता है तो एक इंक्रीज कर जाता है ये डिजिट जिसका निकालना हो वो। तो यहाँ पे 100 निकालना है, 100 पे 2 लिखा हुआ है तो इसीलिए ये 2 1 इंक्रीज कर जाएगा और 2 से ये 3 बन जाएगा। तो 7 यहाँ पे है इसीलिए ये इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जब 100 निकालना हो तो 10th डिजिट का नंबर देखना होता है और यहाँ 10th डिजिट पे 7 है जो कि 5 से बड़ा है। जब कोई नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो जिसका निकालना है वो एक इंक्रीज कर जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 से 3 बन गया और बाकी के नंबर 0 बन गए, यही रूल है। 143, तो 4 इज लेस देन 5, ये 4 5 से कम है इसीलिए ये दोनों डिजिट 10th डिजिट और 1th डिजिट 0 बन गए हैं और 1 का 1 रह गए हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दोनों का हम लोग ऐड करेंगे। ये रहा 300 प्लस 100 इज इक्वल टू 400। इस तरह से हमारा ये बन गया। अब हम लोग देखते हैं नियरेस्ट 1000 को। नियरेस्ट 1000 को निकालने के लिए हमें 100 डिजिट देखना होगा, 100 डिजिट। तो सबसे पहला हमें 3 को देखेंगे, 3 ही 100 डिजिट पे है। 3 जो है 5 से कम है, 3 इज लेस देन 5, इसीलिए ये 397 0 बन जाएंगे, 397 0 बन जाएंगे और बाकी के 21 यही रह जाएंगे, यही रहा यहाँ पे। सेकंड में देखें तो 27807, ये 8 5 से ज़्यादा है, इट इज़ ग्रेटर देन 5, इसलिए यहाँ 7 8 बन जाएंगे और जो नियरेस्ट 1000 ये आएगा। बाकी के 42505, ये 5 के बराबर है, यहाँ पे 5 के बराबर आ गया 5, तो इसीलिए फिर से ये 1 इंक्रीज कर जाएगा, 2 से 3 बन जाएगा। ये वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो एक इंक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए 2 जो है वो 3 बन गया और बाकी के डिजिट 0 बन गए हैं। अब हमें इन तीनों को ऐड करना होगा, तो ऐड करने के बाद 92000 आ जाएगा। इसी में हम लोग डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो नियरेस्ट 100 का निकालना है, नियरेस्ट 100 के लिए 10th डिजिट को देखना होता है। 10th डिजिट पे यहाँ पे देख लें तो 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, इसीलिए 6 जो है वो 7 बन गया है और बाकी के नंबर 0 0। सेकंड में 258, 5 इज इक्वल टू 5, इसीलिए ये 2 3 बन गया है और दोनों में हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, माइनस कर देंगे बड़े वाला नंबर को छोटे से, मतलब छोटे वाले नंबर को बड़े से। 700 माइनस 300 इज इक्वल टू 400, यही हो गया हमारा इसमें आंसर। अब प्रोडक्ट को देखें, प्रोडक्ट में भी सेम चीज़ करेंगे। पहले हम लोग नियरेस्ट 10000 या 100 जो भी दिया हुआ है उसको निकाल लें। प्रोडक्ट में 42 दिया हुआ है तो 42 इस्टीमेट नियरेस्ट 10 इज इक्वल टू 40, क्योंकि ये 2 इज लेस देन 5 इसलिए 40 बन गया।
58 में 8 इज ग्रेटर देन 5, इसलिए 60 बन गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू 60 इज इक्वल टू 2400। नेक्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ 34 और 75 का प्रोडक्ट करना है, तो 34 का 30 बन गया नियरेस्ट 10, क्योंकि 4 इज लेस देन 5। अब 75, 5 इज इक्वल टू 5, इसलिए ये भी 80 बन गया। 7 जो है 1 इंक्रीज कर गया एंड 8 बन गया, और बाकी का नंबर 0। अब 30 इंटू 80 करेंगे तो आ गया 2400। थर्ड एग्जांपल में देखें तो ये रहा एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 367 इंटू 231 बाय राउंडिंग ऑफ इस नंबर टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 निकालना है, नियरेस्ट 100 के लिए 10th डिजिट को देखना होता है। 10th डिजिट पे यहाँ पे 6 है, तो इट इज ग्रेटर देन 5, सो 3 जो है वो 1 इंक्रीज कर जाएगा और ये 4 बन जाएगा, तो इसमें 400 आ गया। नेक्स्ट में 3 है, 3 लेस देन 5, इसीलिए 200 ये बन जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 और बाकी के 4 0। अब देखिए यहाँ पे एक केस आ गया, राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर अपवर्ड, जो पहला नंबर दिया हुआ है इसको अपवर्ड की तरफ राउंडिंग ऑफ करेंगे और सेकंड नंबर को डाउनवर्ड करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए इस तरह बनाया जाता है। यहाँ पे तो जैसे कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा नंबर को कहाँ से करना है, मतलब नियरेस्ट 10 या 100 जो भी, तो हम लोग जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसी को कर लेंगे। मतलब कि अगर 100 तीन डिजिट दिया हुआ तो ये 100 पीरियड में आते हैं, तो नियरेस्ट 100 ही निकाल लेंगे। अगर चार डिजिट होता तो हम लोग नियरेस्ट 1000 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे नियरेस्ट 100 निकालने के लिए 10th डिजिट को देखेंगे, 8 विच इज ग्रेटर देन 5, तो ये 200 बन जाएंगे। और 150 ये 5 होते हुए भी, ये 5 का बराबर होते हुए भी हम लोग इसे 1 का 2 नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर डाउनवर्ड कर रहा है, डाउनवर्ड मीन्स नीचे। अगर ये बढ़ भी रहा है तो हमें इसे नहीं बढ़ाना है। और इसमें देखिए 8 है तो ये अपवर्ड, अपवर्ड मीन्स इसमें अगर बढ़ेगा तो हम लोग बढ़ा देंगे। तो इसका 200 आया, इसका 100 आया, इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, एस्टिमेटिंग द क्वोशेंट, क्वोशेंट इसमें निकालना है। कुछ एग्जांपल भी देख लें, फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग अब इसमें क्वोशेंट निकालते हैं, जैसे कि डिवाइड देकर। सॉल्यूशन देखिए, पहला में 627 डिवाइड बाई 23 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 600। ये देखिए 627 ये 100 पीरियड में है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे 2 को देखना होगा। 2 इज लेस देन 5, ये 2 5 से कम है, इसीलिए ये इंक्रीज नहीं करेगा और 600 ही रह जाएगा। और यहाँ पे 2 3 है, तो यहाँ 1s और 10s यही दो है, तो सिर्फ 3 को देखेंगे और 3 लेस देन 5 है, इसीलिए यहाँ पे 2 और 0 बन जाएंगे। और अब दोनों को डिवाइड करने पे 30 आ गया। सेकंड एग्जांपल में देखें तो 985 है, तो इसमें 3 दिया हुआ, जैसे 1s 10s 100, तो 10s को देख लेंगे। 8 है विच इज ग्रेटर देन 5, तो 9 10 बन जाएंगे, 10 बन गया, और बाकी का नंबर 0 0। यहाँ पे 4 8 है, तो 8 को देखेंगे, 8 इज ग्रेटर देन 5, इसीलिए ये 4 5 बन गया। देखिए अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। थर्ड में 74 और 34, यहाँ पे दोनों का नंबर देखिए, यहाँ 74 4 इज स्मॉलर देन 5, इसलिए 7 का 7 ही रह गया और ये नंबर 0 बन गया। 70 34 4 इज स्मॉलर देन 5, इसलिए 3 का 3 रह गया और ये डिजिट 0 बन गया 30। अब देखिए ये 0 टू 0 कैंसिल हो जाएगा और बाकी बच गया 7 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको अगर डिवाइड किया जाए तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ डिजिट आ जाएंगे जो कि 5 से कम रहेंगे। तो
इसीलिए यहाँ पे टू आंसर हो जाएंगे। 694 / 58 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 760। देखिए यहाँ पे 9 जो है 5 से बड़ा है, इसीलिए ये 67 बन गया, और 58 में 8 इज ग्रेटर देन 5, इसीलिए ये 60 बन गया। अब दोनों को डिवाइड देना है, तो किस कैसे देंगे वो देखें। 0 to 0 कैंसिल हो गया, एक बच गया 70, और इसमें 60 70 को अब 6 से डिवाइड देंगे, तो देखिए इस तरह से डिवाइड होते जाएगा, पॉइंट में आएगा 11.6। इसी तरह से इसमें भी पॉइंट में लाना था, 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो जो भी 2.33 या जो भी कुछ भी आएगा, तो पॉइंट के बाद 3 है इसीलिए वो 0 बन जाएंगे। अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा होता तो ये 3 बन जाता, 3, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 से कम है, 5 से कम है, इसीलिए ये 2 का 2 ही रह गया, और बाकी के नंबर पॉइंट के बाद 0 बन गए हैं। अब इसकी अगर बात करें तो देखिए 6 से डिवाइड दिए तो यहाँ पे 11.6 आया है, और ये 6 5 से बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन 5, इसीलिए ये 12 बन जाएगा। ये देखिए 6 0 बन गया है, और ये 12 बन गया है, तो 12 बन जाएगा। इस तरह से हमने देखा एस्टिमेटिंग कैसे किया जाता है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवाइड, ये सारे चीज़ हमने देख लिए। इस तरह से आज का हम लोग का पढ़ाई यहीं पे एंड होता है।